होगा कि अरे मम्मा उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास देखो बड़ी गाड़ी है, हमारे पास कम क्यों है। और मम्मी या पापा या दादा या दादी या किसी भी बड़े ने कहा होगा, अरे बेटा तेरे पापा ईमानदारी से कमाते हैं इसलिए ये सब तेरे पास नहीं है। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछता हूँ इस तरह का और लोग कहते हैं यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। दोस्तों यही छोटी छोटी सोच है जिसके कारण हमारे पास पैसा नहीं आता। क्यों पैसा नहीं आता, क्यों प्रॉब्लम्स रहती है पैसों से रिलेटेड? एक मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चलती रहती है क्योंकि हम पैसे के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। दोस्तों मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस तो कर सकता हूं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, कोई सपोर्ट कर देना चाहिए, अरे यार पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत सारे चैलेंजिंग बिलीफ्स, नेगेटिव बिलीफ्स एक इंसान के माइंड में भरे हुए हैं और इन चैलेंजिंग और नेगेटिव बिलीफ्स के कारण ही एक इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा या उसके पास पैसा नहीं आ पा रहा। दोस्तों यही रीजन है जिसके कारण 1% लोगों के पास 99% पैसा है और 99% लोग कह रहे हैं पैसा और आ जाए कहीं से तो आ जाए। दोस्तों नहीं आएगा जब तक आप ये समझोगे नहीं कि आपके लिमिटिंग बिलीफ्स, आपके नेगेटिव बिलीफ्स क्या क्या है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 11 नेगेटिव बिलीफ्स के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपके अंदर भरे हुए हैं, जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के अंदर भरे हुए हैं और इसी के कारण वो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा बहुत मुश्किल से रिच बन सकता है। सो पहला लिमिटिंग बिलीफ कि रिच बनने की जर्नी स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप नहीं है यार। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो 50,000 रुपए आज महीना कमा रहा है या 10,000 रुपए महीना कमा रहा है वो ये सोचता है कि कब 20 कमाऊंगा या 50 कमाऊंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा सिर्फ स्टेप्स में सोचता है। दोस्तों 50,000 आएगा तो ही 1,00,000 का सोचूंगा, 1,00,000 आएगा तो ही 2,00,000 का सोचूंगा, 2,00,000 आएगा तो ही 3,00,000 का सोचूंगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट स्टेप्स। अगर आप चाहते हैं कि बहुत पैसा कमाना है सीधा 1,000 करोड़ के बारे में सोचना शुरू करो क्योंकि सोचने पे कोई टैक्स नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं नहीं एक स्टेप के बाद ही मैं दूसरा सोच पाऊंगा। देखिए बिजनेस गोल्स की बात अलग है लेकिन सोचना 1,000 करोड़ का है आज ही से अपने माइंड में वो बिलीफ बना लो कि यार आप 1,000 करोड़ कमा सकते हो, 1,000 करोड़ आ सकता है और वहां तक का सोचना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपने 1,000 करोड़ का सोचना आज से शुरू कर दिया तो आई एम टेलिंग यू बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स आपके टूट जाएंगे। ओके बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स आपके टूट जाएंगे, शटर हो जाएंगे। सो पहला नेगेटिव बिलीफ क्या है? एवरी मिडिल क्लास फैमिली स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द स्टेप्स। वो सोचती है कि पैसा स्टेप्स में ही आएगा, एक स्टेप तक आने के बाद दूसरे पे जाएंगे। लेकिन जितने भी लोग अमीर बने हैं आप उनके बारे में सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ एक लॉटरी लग जाती है या कभी वो कहीं पे हाथ डालते हैं और वहां से 1,07,00,000 का प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों पैसा कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, आपको उसके लिए पात्रता बनानी पड़ेगी, आपको उसके लिए आपका वैसल बड़ा करना पड़ेगा, आपकी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो आप बड़ी रिस्क की तरफ जा पाओगे। लिमिटिंग बिलीफ्स यानी कि जब बिलीफ हमें रोकते हैं, तोड़ते हैं या हमारे एक्शंस को कमजोर कर देते हैं। सो दूसरा बिलीफ है दोस्तों, रिच बनने के लिए लकी होना पड़ता है। अरे दोस्तों आई एम नॉट लकी, ये बिलीफ सिस्टम बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों का है। अरे अपन तो कभी भी टिकट लेंगे, हाउसी खेलेंगे उसका टिकट लेंगे, अपने तो कभी खुलेगा ही नहीं। 90% लोगों से आप सुन लेना, अपने तो कभी खुलता ही नहीं है, अपने तो आज तक कभी लकी हुए ही नहीं, अपने पास तो फ्री की चीज कोई लिखी हुई नहीं है, अपने साथ तो मिरेकल हो ही नहीं सकता। दोस्तों आपका बिलीफ जो है वो ही दुनिया प्रूव करने में लगी है और इसीलिए अगर आपने ये बिलीफ मान लिया कि आप लकी नहीं है तो आपके पास कभी नहीं आएगा। इसीलिए यू नीड टू ऑलवेज इमेजिन दैट यू आर लकी, I am so lucky कि मेरे पास कुछ भी आ सकता है, पूरी कायनात मेरे कदमों में आ सकती है, पूरी दुनिया की दौलत मेरे पास आ सकती है, I am that lucky। दोस्तों ये बोलना शुरू कीजिए, ये कहना शुरू कीजिए and I'm telling you धीरे धीरे जब आपका ये बिलीफ शिफ्ट होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। दोस्तों लक क्या है? जब आदमी किसी शिद्दत से किसी चीज के ऊपर फोकस करता है, उसी के बारे में दिन रात बात करता है तो उसको वो ही दिखाई देने लगता है और एक दिन वो 101% साकार हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, जिस चीज पे ऊर्जा लगाओगे वही चीज आपके तरफ आएगी। क्योंकि ऊर्जा का नियम है अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां अटेंशन जाएगा, जहां ध्यान जाएगा वहीं पे एनर्जी जाएगी। सो ये दूसरा लिमिटिंग बिलीफ आप लोगों का जो है कि मैं लकी नहीं हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत लकी हैं, आप पैदा हुए हैं इस दुनिया में, इसका मतलब है कि आप लकी हैं और आप बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए। तीसरा लिमिटिंग बिलीफ, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बड़ा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों एक 5वीं क्लास का बच्चा एक बार मेरे साथ एक कार में बैठा, वो हम लोग कहीं जा रहे थे और उसने मुझसे पूछा, सर आप हमेशा कहते हो पैसा कमाना आसान है, मेरे पापा या मेरी मम्मी कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। मैंने कहा 5वीं क्लास के बच्चे को कैसे समझाऊं? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा खाना खाते हो? बोला हाँ। सभी लोग खाना खाते हैं? बोला हाँ।
ओके। मैंने कहा चलते हो? बोला हाँ। सभी लोग चलते हैं? बोला हाँ। मैंने कहा आप खेलते हो? यस। सभी बच्चे खेलते हैं? यस। तो ये क्या सारी चीजें, कोई मुश्किल है? बोला नहीं। मैंने कहा तो क्या आपके पापा पैसा कमाते हैं जिससे कि आपकी पढ़ाई का खर्चा निकलता है, जिससे कि आपका केबल आता है, घर का रेंट जाता है, या घर खरीद पाते हैं आप, या कार खरीद पाते हैं? बोला यस। मैंने कहा क्या पड़ोस में जो घर है उसमें भी कोई ना कोई आदमी कमा रहा है? बोला यस। मैंने कहा हजारों लोग कमा रहे हैं आपकी सिटी में? यस। पूरे इंडिया में लाखों लोग कमा रहे हैं? बोला यस। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग कमा रहे हैं? बोला यस। मैंने कहा बेटा जो काम करोड़ों लोग कर रहे हैं इस दुनिया में, 100-200 करोड़ लोग कर रहे हैं, वो मुश्किल कैसे हो सकता है? दोस्तों पैसा कमाना आसान है, और आज के युग में 21वीं शताब्दी में तो पैसा कमाना सबसे आसान है। दोस्तों आज मैंने देखे 18-18 साल के लोगों को करोड़पति बनते हुए, आपने भी काफी सारी ऐसी कहानियां सुनी होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? एक दिन कहानी पढ़ रहा था, दो बच्चों की, दो भाइयों की, जो एक 13 साल का था और एक 16 साल का था, और इन्होंने 13 और 16 साल की एज में एक ऐसी एप्लीकेशन बना दी जिससे कि इनका नाम पूरी दुनिया में हो गया, 126 करोड़ की कंपनी बन गई। मार्क जुकरबर्ग ने इनके साथ डिनर करने के लिए इनको अपने घर बुलाया। दोस्तों दैट इज पॉसिबल, यानी पैसा आप आसानी से कमा सकते हैं, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना सबसे आसान कामों में से एक है। दोस्तों यू कैन मेक मिलियंस ऑल्सो आसानी से, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। एक बिजनेसमैन के पास मैं गया, उसने कहा कि सर नहीं, मेरे को 1000 करोड़ नहीं जाना, क्योंकि 1000 करोड़ करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा दोस्त बिल गेट्स के बारे में सुना है? बोला यस। वॉरेन बफेट सुना है? यस। मैंने कहा अंबानी सुना है? यस। मैंने कहा सर इन लोगों के पास भी 24 घंटे हैं और 8 घंटे ये सोते हैं, ये चाह के भी 12-13-14 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, आप कितना काम करते हो? वो बोलता है मैं भी इतना ही काम करता हूं। मैंने कहा तो किसने कहा कि हार्ड वर्क लगता है पैसा कमाने के लिए? आप 14 घंटे प्रोडक्टिव हो, वही 14 घंटे की प्रोडक्टिविटी वहां लगती है। सो पैसा कमाना आसान है, बस आपको दिमाग चलाना है। डेफिनेटली नई चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन जितना ज्यादा दिमाग चलाएंगे उतना आसानी से आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों चौथा नेगेटिव बिलीफ, मुझे कोई ज्यादा पे नहीं करेगा। आई कांट चार्ज मोर, मैं ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता अपनी सर्विसेज के लिए, मेरी जॉब में मुझे 10-5% ही इंक्रीमेंट हो सकता है, मुझे ज्यादा नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको ज्यादा क्यों नहीं मिलेगा मुझे ये बताइए, आप चाहे जितना चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों एक समय था जब मैं 1000 रुपए 2000 रुपए 3000 रुपए पर डे चार्ज किया करता था, और मुझे लगता था ओ माय गॉड जो आदमी 10000 रुपए पर डे चार्ज करता वो कैसा होगा। ऑलराइट, लेकिन एक दिन मैंने एनएलपी का एक कोर्स किया, और जैसे ही मैंने एनएलपी का कोर्स किया मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मैंने सीधा कंपनी का प्रपोजल आया, मैंने 15000 चार्ज किया और उसने 15000 दे दिया। मेरा माइंड का बिलीफ वाओ 15000, मैंने कहा था कभी नहीं आ सकता और आ गया। उसके बाद हमारे पास एक फायरवॉक का एक असाइनमेंट आया फोसेको कंपनी से, तो मेरे दोस्त ने कहा मैं 75000 रुपए मैं इसको ले रहा हूँ, 3 दिन का ट्रेनिंग है, 25-25000 रुपए रोज का मिलेगा और 1-1 घंटे का ट्रेनिंग है। मैंने कहा पागल हो गया क्या, 75000 रुपए चार्ज करेगा तो चला जाएगा ये हमारे हाथ से? लेकिन मेरे दोस्त ने कहा मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, उसने 1 लाख रुपए पिच किया, 75000 रुपए में क्लोज किया। मैंने कहा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद से मेरी मार्केट रेट हो गई 25000 रुपए और अब मैं चार्ज करता हूँ 3 लाख रुपए एक दिन के दोस्तों, और आज के आने वाले 5 सालों के अंदर मैं चार्ज करने लगूंगा 10-20 लाख रुपए पर दिन के। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, पैसा जितना आप सोच लेते हो उतना आपको दुनिया देगी, उतना आपको दुनिया देगी। ओके दोस्तों, पांचवा लिमिटिंग बिलीफ है, रिच पीपल ग्रीडी होते हैं, रिच पीपल अच्छे नहीं होते हैं, रिच पीपल हमेशा गरीब को खून चूसते हैं, या रिच पीपल हैप्पी नहीं रह सकते। मैं कहता हूं दोस्तों रिच आर गुड टू, बहुत सारे अच्छे रिच पीपल भी आपको मिल जाएंगे, जैसे अजीम प्रेम जी साहब, रतन टाटा साहब, जो 1500-1500 करोड़ रुपए डोनेट कर देते हैं। दोस्तों बहुत सारे रिच लोग ही हैं जिनके कारण इतने सारे धार्मिक संस्थान चल रहे हैं, इतनी सारी गरीबों की सेवा हो रही है। दोस्तों छठा बिलीफ, मुझे पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा टैलेंट मतलब क्या, अगर मेरे पास 1 लाख है और बिल गेट्स के पास 1000 करोड़ है तो क्या उसका IQ मुझसे 1000 करोड़ ज़्यादा बढ़िया है? नो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए ज़्यादा टैलेंट नहीं चाहिए, एवरेज टैलेंट चाहिए, एवरेज टैलेंट, बस फोकस थोड़ा सा पैसे के ऊपर चाहिए। एवरेज टैलेंट के साथ आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों सातवां लिमिटिंग बिलीफ आप लोगों के लिए है, दोस्तों सातवां लिमिटिंग बिलीफ ये है कि पैसा ही सारी फसाद की जड़ है, पैसा ही कहीं ना कहीं सारे प्रॉब्लम्स का कारण है। अगर दोस्तों ऐसा होता तो आपके घर पे खाना भी आपका पैसों से ही आता है। लेकिन दोस्तों क्या ये सच है? नो, ये सच नहीं है। पैसा ही सारे आराम की जड़ भी है। आपके टेबल पे खाना आता है किससे आता है? पैसे से आता है। आप कपड़े पहनते किससे पहनते हैं? पैसे से। ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं पैसे के कारण कैमरा खरीद पा रहा हूँ, मैं पैसे के कारण अपनी टीम को हायर कर पा रहा हूँ, मैं पैसे के कारण ये लाइटिंग्स वगैरह कर पा रहा हूँ। पैसा अच्छी चीजें करवाता है, पैसा सबसे बढ़िया दोस्त है, पैसा सबसे
ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके वेद पुराण कहते हैं हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, स्पिरिचुअलिटी यानी माइंड का बैलेंस होना चाहिए एंड अर्थ का बैलेंस भी होना चाहिए। अर्थशास्त्र बनाया गया था क्योंकि अर्थ के बिना सब कुछ रुक जाएगा, इसीलिए पैसा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगला लिमिटिंग बिलीफ लोगों का यह है, मैं सेव नहीं कर सकता, मैं कमाता तो बहुत हूं, मुझसे सेव नहीं होता, मुझसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इन्वेस्ट तब कर पाऊंगा जब पैसा होगा। लेट मी टेल यू दोस्तों, अगर आज आप 10,000 कमा रहे हैं और अगर आज से आपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग शुरू नहीं की, चाहे 2 रुपए से शुरू कीजिए, तो ये आपकी आदत में कभी आएगा नहीं और आप रिच कभी बनेंगे नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा सेव नहीं होता या पैसा बहुत मुश्किल से आ रहा है या पैसे को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास होगा तो ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे, तो मैं आपका बिलीफ यहां पे चेंज करना चाहता हूं। नया बिलीफ जो देना चाहता हूं वो ये है कि आज से ही मैं सेविंग कर सकता हूं, चाहे 1 रुपए की सेविंग करो, 5 रुपए की करो, 15 रुपए की करो, और उस सेविंग के पैसे को धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। दोस्तों पैसे के बारे में ये लिमिटिंग बिलीफ्स आप जान लीजिए, अपने अंदर इनको बसा लीजिए। दोस्तों 8वां बिलीफ है कि पैसे के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अरे पैसे के बिना तो सब कुछ है, तू अपनी वैल्यू करेगा तो ही दुनिया तेरी वैल्यू करेगी और तभी तेरे पास पैसा आएगा। तेरे पास पैसा नहीं है तो तू कुछ नहीं है, ये गलत थॉट है। या तेरे पास पैसा है तो ही तू बड़ा आदमी है, ये गलत थॉट है। आप बिना पैसे के भी बड़े आदमी हो, बड़े आदमी थे, इसको अपने माइंड में बिठा लो दोस्तों। अगला बिलीफ सिस्टम जो दुनिया कहती है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। मैं कहता हूँ पैसा पेड़ पे तो नहीं उगता, लेकिन किसी भी बिजनेस से करोड़ों कमाया जा सकता है, आप घर में बैठ के करोड़ों कमा सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ माइंड जो है और बिना कोई भी एम्पायर बनाए सिंगल हैंडेडली करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं दोस्तों। एंड आखिरी के 2 बिलीफ जो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, लोग कहते हैं पैसा क्या साथ लेके मरेंगे, ऑलराइट, और स्पिरिचुअल हो सकता हूं मैं या फिर पैसा हो सकता है। दोस्तों ये दोनों बिलीफ बहुत खतरनाक है। पैसा साथ लेके तो नहीं जाओगे, लेकिन अगर आपने अच्छे आदमियों ने पैसा कमाया तो दुनिया की हेल्प कर सकते हो, आप आराम से जिंदगी काट सकते हो, अपने दोस्तों की, अपने परिवार वालों की मदद कर सकते हो, आप इस दुनिया में कोई आविष्कार करवा सकते हो, आप सैटेलाइट बनवा सकते हो, आप रॉकेट बनवा सकते हो, आप ऐसे कोई यंत्र बनवा सकते हो जिससे पानी का बचाव हो सके। इसीलिए पैसा आप साथ लेके तो नहीं जाओगे, लेकिन पैसा कमाना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और दूसरा ये जो बिलीफ है 11वां बिलीफ की स्पिरिचुअलिटी, अगर मुझे स्पिरिचुअल होना है तो पैसे के साथ मैं स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, दोस्तों ये भी गलत है। जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है आप देखिए, वो सुपर डुपर रिच है, बहुत ज्यादा रिच है, वो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी और पैसा तो एक ही चीज का, एक ही हिस्से के 2 पहलू हैं। रिच भी होना जरूरी है, स्पिरिचुअल भी होना जरूरी है, दोनों चीजें साथ साथ आराम से जा सकती है, लाखों उदाहरण है इसके। दोस्तों ये 11 बिलीफ गांठ बांध लीजिए और इनको रिवर्स करने की कार्यक्रम कर लीजिए, क्योंकि ये आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, ये आपको रोक रहे हैं अपनी जिंदगी में पैसा हासिल करने से, और इन्हीं के कारण आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके कोई सवाल हो या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के हमें जरूर बताएं, ताकि हम ला सकें आपके पास बेहतरीन कॉन्टेंट। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।